लोग अपनी सुख सहूलत वास्ते सरकार चुनते हैं पर सत्ता विच आउंदे ही सरकार गरीब लोगों नाल किते वादे भुल जांदियां हन अते गरीब अपनी वोटा दे के पछताते हुए नजर आउंदे हन। इहो जिहा ही हाल नजर आया अमृतसर हलका पूर्बी तो विधायक अते साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दे हलके अधीन आउंदे इलाका मोकमपुरा तुंग पई दा जिथे दे लोग गंदे पानी विचों लंघन लई मजबूर हन। तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो कि किवें लोग सीवरेज दे गंदे पानी विचों लंघ के अपने कम्मां नूं जां घरां नूं जा रहे हन। उत्थे जानकारी दिंदे हुए इलाका निवास सुखदीप सिंह सुख अते उदय कांत ने दस्या कि उन्हां दे आवाजाई दा रस्ता यही है जो गंदे पानी नाल भरिया होया है। ए रेलवे पुल दे थल्ले अते रोड दे सीवरेज दा गंदा पानी भरिया होया है। आए दिन कोई ना कोई हादसा हुंदा रहिंदा है जिस करके इलाके दे लोग बहुत परेशान हन। उन्हां ने कहा कि उन्हां वल्लों सोशल मीडिया ते एक पोस्ट हलके दे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू नूं टैग करके पाई गई सी जिस तों बाद हलके दे युवा कांग्रेसी चरणजीत सिंह मानती पहलवान ने पोस्ट वेख के उन्हां नाल संपर्क कीता अते रस्ते दा कोई ना कोई हल कढ़न दा विश्वास वी दवाया है। मेरा भाई नाम सुखदीप सिंह है जी। कित्थे रहिंदे हो? असीं तुंग पिंड दे वासी हां जी। हां जी, की परेशानी आ रही है जड़ पानी? परेशानी पत्रकार साहब तुहाडे सामने ही आ। परसों मैं दुध लैके जाणिया साडे जिन्ने भी तुंग पिंड दा रोजगार आ सारा जिन्ना भी जिहड़ा भी राह आ इहो रूट आ, ठीक आ। इत्थे साडे दुध दे कैन पलट गए, साडे जिन्ने भी आ मजदूर भरा आ जिन्ने भी साडे इत्थे इलाका निवासी सारिआं दा इह लंघ आया चरस्ता ही एक हिसाब दा। कोई कोई किसे दे हां सब्जी मंडी दा मेन राह कि किसे दी सब्जी इत्थों गंदी हो के जाण दी आ, किसे दी रेहड़ी पलटण दी आ। परसों इत्थे ट्रैक्टर पलट गया, अहीं किहनूं जवाब देईए? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਫੋਕਲ ਪੈਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰ ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਡੱਕਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉੱਧਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹਾਲ ਕਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨਤੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨਤੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਉਦੈ ਕਾਂਤ। ਕਹਾਂ ਰਹਤੇ ਹੋ? ये अपने बस्ती में पीछे झुकी झोपड़ी वाले हैं। ये पानी कहाँ से आ रहे हो? क्या ये सीवरेज का पानी है सर, उधर से आ रहे हैं। ये आगे इनकी सप्लाई है ही नहीं, पीछे से इनको जब भी कहते हैं तो कहते हैं 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आगे भी ऐसे ही काम करते करते आज 2 महीने हो गए, इस जगह पानी खड़ी हो जाती है। हमारे बच्चों का राह है इधर से तुंग पई स्कूल जाते हैं, बिले वाले चौक स्कूल जाते हैं, जो भी स्कूल जाते हैं बच्चे इधर से जाते हैं। बच्चे रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते हैं सवेरे सवेरे के टाइम में, उस टाइम रेलवे की भी आने की संभावना होती है। ऐसे तो बंद है लेकिन आने की संभावना होती है। कुदरती कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गया तो उसका जवाबदेही कौन होगा? जो लोग कि नीचे से आ रहे हैं, जिसके पास कोई अपना सवारी है, रिक्शा है, साइकिल है, या किसी पास स्कूटर मोटरसाइकिल है, या जो किसान लोग हैं वो भी आते हैं, इस बीच से जब निकलते हैं तो कई लोग हमारे सामने गिर गए हैं। कहाँ जुड़ता है ये रास्ता जाते? ये कलर में, रसूलपुर कलर में मंडी में सब्जी मंडी, इधर से सब्जी मंडी भी लोग जाते हैं। क्या चाहते हो भैया? हम लोग चाहते हैं कि इसकी सफाई हो जाए और यहाँ का रास्ता जो है वो साफ सफाई से चले। अगर जोड़ा फाटक रास्ता बन सकता है तो ये रास्ता भी पहले पास हुई पड़ी है, तो अब क्यों नहीं बन सकती है? मतलब अंडर ब्रिज बन सकती है जी। उत्थे युवा कांग्रेसी आगू मानती पहलवान ने कहा कि वह जल्द ही नवजोत सिंह सिद्धू ते जसमीत सोढी नूं मिलके इस रस्ते नूं बनाउण अते सीवरेज दे गंदे पानी दे निकासी वास्ते कोई ना कोई हल लभणगे। मेरा नाम चरणजीत सिंह मानती पहलवान। हां जी, केड़ा एरिया है? एरिया जी अपना तुंगपाई मोगमपुरा इलाका। की परेशानी जड़े अज इत्थे ने? परेशान दी जी, मैं कल तों ही अपने दफ्तर बैठा हां, इत्थों दे निवासी साडे पिंड दे वी निवासी मतलब कि दफ्तर मेरे कोल आए सी, उन्हां ने समस्या मैनूं आके दसी ते मैं इह समस्या मतलब कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जसमीत सोढी ने भी उन्होंने मतलब कि दसी, उन्होंने मैं मतलब कि दसिया है कि मतलब कि यह पुली की जो भी समस्या हैगी आ मेयर रिंटू साहब जी ने कमिश्नर मित्तल जी नॉलेज लिया दी है, जल्दी जल्दी हल करवाई जाऊगी। पानी कितों आ रहा है? ये पानी जी मतलब कि सीवर लाइन का है, मतलब कि पिछले ही मतलब कि काम चल रहा है,
वह ही पानी इतने इकट्ठा हो जा रहा कि इलाका वास बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जिन्हें भी तुंग वासी मुगम परे कि इलाके के वासी है उन्होंने सारिया डेयरिया मतलब लाइना तो परली साइड पर है उन्होंने बहुत ही मुश्किल आ रही है। बाकी जी इतने लागे सरकारी क्वार्टर है उन्होंने भी काफ़ी ज्यादा मुश्किल आ रही है। सिद्धू साहब ने उन्होंने ओसडी साहब ना जसमीत सोढ़ी जी गल हुई सी उन्होंने मतलब भरोसा दवाया कि ये थोड़े ही दिनों ये काम मतलब करवाया जाऊगा। प्राइम मुदेली अमृतसर तो हरजीत गरेवाल की रिपोर्ट।